नमस्कार दोस्तों, हम राहुल राज, आप देख रहे हैं टेक्निकल बी आर चैनल। तो चलिए, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि 2022 में जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं उनका आंसर की आज से 2 दिन पहले जारी कर दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि अपना आंसर की चेक किए तो वहाँ पे क्वेश्चन सही पाया गया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि आंसर सही दिए लेकिन आंसर की में वहां से सही बना के आए लेकिन आंसर की जो जारी किया गया इसमें गलत दिया गया कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये गलत। तो ऐसे स्टूडेंट जिसका आंसर गलत हो चुका है किस तरह से सुधार करवाएंगे पूरी जानकारी मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। उससे पहले बताना चाहूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँच रहे। तो चलिए लेके चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, बता देते हैं कि किस तरह से अपना आंसर सुधार करवाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे, जैसे कि चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे साइंस का देखना है सेकंड सेटिंग और यहाँ पे फर्स्ट सेटिंग है। तो यहाँ पे साइंस का सेकंड सेटिंग देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इसी तरह अपना क्वेश्चन और आंसर की वो साथ रख के मिलाव कर लेना है कि कितना आप सही बनाए और कितना गलत है। ओके, तो इस तरह से आप लोग जो है सो चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसमें क्वेश्चन जो ये आंसर किया है इसमें अगर गलत है ओके, और आपका क्वेश्चन में जो टिक करके वो अगर सही है, कन्फर्म है कि आप सही है, तो यहाँ पर अपना सुझाव रख सकते हैं। यहाँ पर पत्राचार का पता यानी कि अपना पता देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर छात्र हैं आप तो छात्र यहाँ पे सिलेक्ट रहने देंगे। अगर आपका माता पिता या अभिभावक या शिक्षक प्रधानाध्यापक जो भी हैं यहाँ पे उनको जो है सो सुझाव देना चाहते हैं तो इस तरह से अपना यहाँ पे एड्रेस दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि कौन से सब्जेक्ट में आपका जो है सो आप सही बनाया और गलत वहाँ पे आंसर की में है तो यहाँ पे जो है सो आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी सिलेक्ट है। मान के चलिए यहाँ पे हिंदी आप सही दिए थे, जवाब जो भी आपका ऑप्शन था वो सही था लेकिन आंसर की में गलत है तो यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन सेट जो है, सेट पी है, सी है, डी है, जो भी हो यहाँ से सेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, जो भी आपका नंबर गलत हुआ यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन में आपका सही था लेकिन आंसर की में गलत बताया गया तो यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पे एरर टाइप त्रुटि का प्रकार यहां पे क्या है, गलत प्रश्न था या उत्तर गलत था, जो भी है यहां पे जैसे कि आप सही उत्तर दिए थे लेकिन इसमें उत्तर में गलत है तो यहाँ पे उत्तर गलत है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्शन में रिमार्क लिख देंगे जो भी आपको यहाँ पे, जैसे कि उत्तर गलत है यानी कि आपको लिखना है कि हम सही जवाब दिए हैं लेकिन आंसर की में गलत है तो वहाँ पे फिर से आपको कॉपी को रीचेक किया जाएगा और वहाँ पे सुधार कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप लोग जो है सो सुझाव भी कर सकते हैं अगर उसमें गलती है तो। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से पीडीएफ यहाँ पे दिया गया है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके सारा सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया, सारा सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप अपना डाउनलोड कर लेंगे। ओके, उसके बाद देख लेंगे ओके फ्रेंड्स कि कौन सा आपका सही है गलत है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप लोग अपना चेक कर लेंगे। अगर गलत है, अगर आप सही सवाल का जवाब दिए हैं तो, अगर वहाँ पे आंसर की में गलत है तो इस तरह से मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे किस तरह से आप लोग जो है सो अपना सुझाव दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।